Hello, my dear children. Yesterday we have discussed about the respiration. Respiration ये chapter 7 है, class 7th का. इसमें मैंने discuss किया था उस दिन page number 102 में हमने ये बताया था कि plants जो होते हैं इनमें भी respiration की क्रिया होती है, और ये respiration की क्रिया प्लांट में दिन में और रात दोनों समय होती है. दिन के समय बस जो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है उसमें प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और रात में जो ऑक्सीजन की क्रिया ये रिस्पायरेशन की क्रिया होती है प्लांट में, वो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. अब सो वी विल डिस्कस अबाउट द पेज नंबर 103. इसमें देखिए लिखा है कि ऑक्सीजन रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ. जब हम सांस लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स में पहुंच जाती है. रिचेज मतलब होता है पहुंचना. हमारा बॉडी कोई भी ह्यूमन होगा, यानी कि लिविंग थिंग्स आर लिविंग थिंग्स का बॉडी जो होता है वो छोटी छोटी सेल्स से बना होता है. तो ये जो हमारे जो सांस लेने की क्रिया होती है श्वसन क्रिया, उसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स में पहुँच जाता है. और इन द बॉडी सेल्स में जब ऑक्सीजन कंबाइन विद द एब्जॉर्ब फूड, जो भी कुछ हम खाते हैं वो एंजाइम के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि जो भी कुछ हमारे फ़ायदे की चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में पहुंचाया जाता है. तो जब ये जो भी कुछ मैंने खाया था उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जो श्वसन क्रिया से हमारा ऑक्सीजन हमारे सेल्स में आया है वो उसे कंबाइन ये फूड मटेरियल जो एब्जॉर्ब किया गया है उससे ऑक्सीजन हमारा कंबाइंस हो जाता है एंजाइम्स की सहायता से. एज ए रिजल्ट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट. और उसका रिस्पॉन्स ये होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं. दिस प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी इन द सेल्स, यह क्रिया जिसमें एनर्जी रिलीज होती है सेल्स के थ्रू इज नोन एज द सेलुलर रिस्पायरेशन. इसी क्रिया को ही सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं. सेलुलर रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच सेल्स प्रोड्यूस द एनर्जी. सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? एक प्रकार की क्रिया है इन विच जिसमें सेल्स प्रोड्यूस, जिसमें कोशिकाएं यानी सेल्स जो होती हैं वो एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि उत्पन्न करती हैं या बनाती हैं. दे नीड टू स्टे लाइफ, जो हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी है. ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान सेल्स यूजुअली यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द शुगर टू प्रोड्यूस एनर्जी. ये सेलुलर रिस्पायरेशन की जो क्रिया होती है इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो शुगर से, यानी हम जो भी कुछ खाते हैं वो उसमें, यानी कि प्लांट का अगर लेंगे या हमारी सेल्स का, तो इसमें ग्लूकोज बनता है. हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इसी ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन किसमें एनर्जी में प्रोड्यूस करता है, यानी उससे एनर्जी बनाता है. तो चूंकि इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू, जो हमारे बॉडी को जीवित रहने के लिए यानी सारी जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसे करने में हमें हेल्प करता है. द बॉडी गेट्स टू यूजेबल्स एनर्जी, या हमारा बॉडी जो होता है इस एनर्जी को यूज़ करता है, यानी यूजेबल यूज बनाता है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, सभी हमारी जीवन की क्रियाओं की, यानी बहुत सारी जो हमारी जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं उनको चलाने में. थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, किसके थ्रू ये क्रियाएं होती हैं ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन. तो आज हमने डिस्कस किया सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में कि क्या है सेलुलर रिस्पायरेशन. सेलुलर रिस्पायरेशन अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं उनमें जो ऑक्सीजन पहुंचता है और जो कुछ भी हम खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उस एब्जॉर्प्शन से बने हुए जो मटेरियल जो हमारे शरीर के लिए यूज़फुल हैं उनको वो वे जो है ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी क्रिया को ही सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वी ब्रीथ अबाउट 5000 टाइम्स एवरी डे, कि हम जो सांस लेते हैं वो हर एक दिन में 5000 बार। द लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े, हमारे जो फेफड़े हैं। द लंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड पर जो लंग हमारा क्या होता है, लंग्स हमारे दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट, बॉडी के दोनों साइड, ऊपर छाती पर यहाँ सामने से होता है। तो वो जो उसमें से जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है इज स्लाइटली स्मॉलर देन द लंग ऑफ राइट साइड, तो ये हमारे बॉडी के राइट साइड से थोड़ा सा छोटा होता है लेफ्ट साइड का लंग्स जो होता है। द एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का चूँकि जो है थोड़ा सा इसमें स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होती है, लीव्स स्पेस फॉर द हार्ट टू वर्क, इसे जो हार्ट से हमारा ब्लड आता है प्यूरीफाई करने के लिए, वो उसे स्पेस देता है। जहाँ यहीं पर तो फेफड़े में ही तो हमारे हार्ट से जो भी ब्लड इम्प्योर ब्लड होता है वो यहीं आकर प्योर होता है, तो फेफड़े ही जो होते हैं हमारे ब्लड को शुद्ध भी करते हैं। तो इफिशेंसी अबाउट बीइंग एब्स्ट्रैक्टेड बाय द सराउंडिंग ऑर्गन, ऑब्स्ट्रैक्टेड बाय द सराउंडिंग ऑर्गन्स, और ये इस तरह से हमारे हार्ट से आए हुए इम्प्योर ब्लड को प्योर करके फेफड़े फिर से इसे हार्ट में भेज देते हैं, और जिससे हमारे सारे बॉडी में ऑक्सीजन युक्त यानी कि प्योर ब्लड पहुंच जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है हार्ट की। तो ये तो आप नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। फिलहाल आज इतना ही है, इसके आगे मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी नेक्स्ट इस टॉपिक को कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, की रिस्पायरेशन की क्रिया कितने टाइप्स की होती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है चिल्ड्रन, तो प्लीज़ कमेंट्स कर दिया कीजिए, और थोड़ा टाइम मुझे कम मिल पाता है इसलिए वीडियो बनाने में समय लग जाता है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी। और प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कीजिए। थैंक्स।